हेलो दोस्तों आपके भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया पीसी जैसा वॉक एनिमेशन सिखाइए तो आज इसी पर एक बढ़िया ट्यूटोरियल आप सभी के सामने लेकर आए हैं चलिए शुरू करते हैं ऐसी एनिमेशन बनाने के लिए आपको आई बी स्पेंट एक्स एप्लीकेशन को खोलना होगा यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर बढ़ी आसानी से मिल जाती है आप इसे इज़ीली डाउनलोड कर सकते हैं ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एंडरफेसो होगा जो माय गैलरी लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जो नीचे कॉर्नर में प्लस बटन है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको टाइप करके या फिर किसी तरीके से बीस अड़तालीस सेलेक्ट करना है एंड ओके कर देना है तो ओके करने के बाद फ्रेंड आपको वन लिखा हुआ है जहाँ पर लेयर वन तो यहाँ पर क्लिक करना है एंड कैमरा लिखा हुआ है कैमरे पर क्लिक कर देना है यहाँ से एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट करना है सॉरी एक करैक्टर्स को इंपोर्ट करना है जो कि आप कार्टून के अंदर जैसा पीसी जैसा वक एनिमेशन देना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए मैं एक कार्टून करैक्टर्स यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं मैं बता दूंगा कि क्या उस करेक्टर के अंदर होना चाहिए तब आप यह एनिमेशन कर पाएंगे तो मैं यहाँ पर एक करेक्टर्स को इम्पोर्ट कर लेते हैं करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा उसको आपको कैंसिल कर देना है और यहाँ पर जो एरर दिया गया है छोटा सा इस पर क्लिक करके इसे छोड़ देना है अब इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा काफ़ी करैक्टर्स के अंदर आपने देखा होगा देखते भी आ रहे होंगे कि यह जो चिन्ह है मेरे भाई यह वाला यह नहीं मिलता है तो आपको ऐसे करेक्टर को विल की बिल्कुल भी इम्पोर्ट नहीं करना है जिसके अंदर यह ना हो ध्यान रहे कि यह होना ही होना चाहिए तभी आप उस करैक्टर को इम्पोर्ट करिए तभी आप पीछे जैसा एनिमेशन बना पाएंगे जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं अब क्या करना है आपके लिए बता दूं मैं एयर जो यहाँ पर है बटन बुरस वाला उस पर क्लिक करना है एंड इरेजर को सेलेक्ट कर है ओके वगैरह जो भी चीज़ें और यहाँ से जो भी चीज़ें इसके अंदर है उन्हें सभी को इरेज कर देना इस तरीके से ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है मेरे भाई कुछ ही चंद का काम है बस से आप ध्यान से सुनते रहिए कोई भी इशू आपको नहीं होगा हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल निश्चिंत रहिए आपको यहाँ पर जो प्लस बटन जैसा दिया है इस पर आपको क्लिक करना है इसे पकड़ के आपको बीच में कर लेना है इसका साँच बड़ा कर लेना है इस तरीके से आप ओके कर देना है इतना करने के बाद आपको एरो बटन से बैक खट जाना है को सेलेक्ट करना है ओके करना है और यहाँ से बॉल पर ब्रुस को सेलेक्ट करना है ध्यान रहे ओके कर देना है ओके करने के बाद आपको इस तरीके से करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा अंगूठे जैसा इस पर आपको क्लिक करना है नीचे को स्क्रॉल करना है एंड जो ऐसे जैसा आइकन करें इस पर क्लिक करके ओके okay कर देना है अब इतना करेंगे तो आपको यहां पर कुछ इस तरीके से इसे ड्रॉ करना है मेरे भाई इस तरीके से कुछ ठीक है ध्यान से सुनिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ध्यान से सुनिए मैं आपको जानकारी बता दूं देखिए सॉरी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ इस पार्ट को पूरा क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए कुछ और भी ट्रांस और भी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसे अंडू कर दूंगा ठीक है सॉरी सॉरी यहाँ से कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है देखिए ऐसे ध्यान से सुनिए हाँ एक बार में ही हमारा हो जाएगा यदि आप पर एक बार में ना हो तो आप दोबारा से ट्राई कर लीजिए इसमें कुछ भी नहीं जाता मेरे भाई देखिए इस तरीके से आप इसे जोल्ड कर देंगे और यहाँ पर इसके पैर को कुछ इस तरीके से आप कर देंगे ठीक है ध्यान से सुनिए ओके यहाँ से इतना कर देंगे ओके कर देंगे यहाँ का कलर कौन सा है इसे हॉल्ड टाइप करेंगे तो यहाँ पर पिक हो जाएगा और यहाँ से मेरे भाई फिर से आप वो पर जाकर इस कलर को यहाँ पर पिक कर देंगे ठीक है तो हमारा यहाँ पर फाइनली पिक हो गया है कलर जो भी वाइट कलर था हमारा देख सकते हैं आप यहाँ पर जिसका पैर बसा है बचा है इसको आप ऐसा ही रहने देंगे ठीक है अब इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर हमारी ये लेयर है इस पर क्लिक करेंगे और जो यहाँ पर डुप्लीकेट करने का आइकन दिया गया होता है ये वाला प्लस वाला इस पर क्लिक करके आप इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे मेरे भाई हमारी ये दोनों लेयर डुप्लीकेट होकर आपके सामने रखी है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी तक नहीं है यहाँ पर जो हमारी दूसरी लेयर है यानी कि दूसरी और तीसरी यहाँ पर हमारी ये हमारी फर्स्ट लेयर है इसे हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर देखिए ठीक है, है इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे फिर से इस बटन पर क्लिक करेंगे ध्यान रहे मेरे भाई छोटा करेंगे और इस करेक्टर को इसके लिए कुछ इसके ऊपर ऐसे रखना है और यहाँ पर मैं इसे रोटेट करूँगा हल्का सा ध्यान से सुनिए बस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस तरीके से ऐसे रखेंगे कुछ ऐसे यहाँ पर थोड़ा इसका साज बड़ा कर लेंगे एंड इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से आप इसके पार्ट को इस तरीके से मिला देंगे और मिलाने के बाद जो नीचे का यह वाला जो पार्ट बच रहा है हमारा देखिए ध्यान से सुनिए यह वाला इसको रीज कर देंगे और ये जो हमारा टोटल इतना पार्ट बनेगा इतना इस पार्ट को हम यहाँ पर रख लेंगे अब कैसे करना है देखिए जैसे कि मैं आपको बताया रख करके कि इस तरीके से इसे एडजस्ट करना है ऐसे कुछ इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर यार कैस, किस तरीके से समझाऊँ जैसे कि आपको बेहतर परफॉर्मेंस आ सके मैं सेकंड लेयर पर क्लिक करता हूँ और इस लेयर को कुछ यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं ओके कर देते हैं थर्ड लेयर पर क्लिक करते हैं ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से करके आपको अब दिखाते हैं ऐसे इस तरीके से अब आपने जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से हमारी एनिमेशन बनकर कंप्लीट हुई है तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको यह काम बड़े ही प्यार के साथ कर लेना है तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेयर को आपके लिए रखना होगा इतना आप रख लेंगे तो आपके जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उन पार्ट को बत, काट देना है यानी कि ख़त्म कर देना है इस लेयर को सेलेक्ट कर देना है और इरेजर पर चले जाना है इस तरीके से और जो आपका यह वाला जो पैर है इसको आपको रीच कर देना है जो इधर वाला पैर है इसको भी आप है। आपको रीच कर देना है अब जो कौन सी लेयर में उस पार्ट को देख देख करके आपको इन दोनों पार्ट को रीच कर देना है अब रीच करने के बाद क्या करना चाहिए सो मेरे भाई जो हमने पैर बनाए थे जस्ट मैं आपको दिखाए वो मैंने एरो बटन पर क्लिक करके सेव कर लिए ट्रांसफेरमेंट अब मैंने जो दूसरा इमेज जो कि मैंने आपको पहले इंपोर्ट करके दिखाया था सेम इंपोर्ट कर लिया एंड इंपोर्ट करने के बाद जो हमने पैर बनाए हैं उनको यहाँ पर क्लिक करके कैमरा पर और उनको यहाँ पर इम्पोर्ट करना है तो फ़िलहाल ये हमारा पैर है ओके कर देंगे ओके करने के बाद कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करने के बाद प्लस बटन पर क्लिक कर देंगे प्लस जैसा है क्लिक कर देंगे और यहाँ पर इस आकार को छोटा करेंगे और इस पैर को थोड़ा सा सीधा कर लेना है और इसको इस तरीके से बड़े प्यार के साथ करना है दोस्तों ध्यान रहे बड़े प्यार के साथ करना है और इस तरीके से इसे यहाँ पर चहट करना है थोड़ा छोटा करना है ध्यान रहे कि बड़े तरीके से करना है कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए थोड़ा और भी छोटा कर सकते हैं इसका आकार को आप बड़ा कर लीजिए इस तरीके से और अब आप बड़े ध्यान से ही इसे सेट कर दीजिए ठीक इस तरीके से करने के बाद इसे आप कर दीजिए और इस लेयर पर क्लिक करके प्लस बटन जो दिया गया है डुप्लीकेट लेयर कर लीजिए डुप्लीकेट करने के बाद आप फिर से इस पर क्लिक कर दीजिए और इस लेयर को उठाकर कर यहाँ ले आइए अब आप क्या करेंगे कि जो नीचे एक पैर दिया गया है उस पैर पर हमें जाना है तो इसे जूम करेंगे जितना ज़्यादा जूम कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा तो जूम कर लीजिए जुम्मन करने में कुछ नहीं जाता मेरे भाई तो इस तरीके से कर लेंगे एंड यहाँ पर इस करेक्टर को भी इस तरीके से एड कर देंगे जैसे कि हमने वो करैक्टर किया है सेम तरीके से इस करेक्टर को भी यहाँ पर इम्पोर्ट कर देंगे थोड़ा छोटा करना है थोड़ा और ऊपर को निकाल दीजिए क्योंकि सेम बराबर तो है इतना आपको करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे करैक्टर पूरी तरीके से सेफली सेट हो चुके हैं अब यहाँ पर जो मेन करेक्टर की विंडो है इसको सेलेक्ट करना है बाकी को अनटिक कर देना है यानी कि दिखाना नहीं है इस तरीके से इतना आप करेंगे जहाँ पर जाएंगे इरेजर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं यहाँ की जैसे कि यह वाली इन सभी चीज़ों को इस तरीके से सॉरी हाथ को नहीं मिटाना है इस तरीके से इन सभी को मिटा देंगे तो ऐसे मिटाना है कुछ इस तरीके से ठीक है इसके सभी पैर हाथ पैरों को सबको मिटा देना है कुछ ऐसे इतना आप कर लेंगे जो भी आप और भी चीज़ें इसके साथ ऑब्जेक्ट मिटाना चाहें तो मिटा देंगे बट इतना आपको कर लेना है अब इन्हें टिक कर देना है दोबारा से दृश्यमान कर देना है इनको इस तरीके से इतना आपने किया अब यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है मेरे भाई यहाँ पर क्या रखना है रीजन हमारा सेलेक्ट है सबसे पहले इस कपड़े को उड़ाना है मेरे भाई इस लेयर को सेलेक्ट करिए लेयर को करक्ट वाली लेयर इस कपड़े को इस तरीके से उड़ा दीजिए और यहाँ से कुछ इस तरीके से बड़े प्यार के साथ उड़ाना है और थोड़ा थोड़ा इसको भी उड़ा दीजिए ऐसे जैसे कि हम उड़ाना है सेम प्रोसेस आपको करना है धीरे 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 उड़ा दीजिए और यहाँ पर जितना देख लीजिए एक बार सेट करके यदि दोबारा से सेट ना बने तो दोबारा से आप उड़ा लीजिए फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आप ज़रूर से कर लीजिए इतना आप किया अब इस करेक्टर को बस सेव करने की बारी है एरो बटन पर क्लिक करो सेव, मैं सेव कर लू चलिए मैं क्रोमाटून में खोलता हूँ क्रोमाटून के अंदर अपने करेक्टर को इम्पोर्ट किया है आप देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है अब हम इसकी जो बॉकिंग एनिमेशन है वो डालते हैं सबसे पहले आईडीएल एंड यहाँ पर बॉकिंग एनिमेशन को हम डालते हैं आप सभी के सामने ही डालेंगे बॉक वन नंबर वन आप देखिए क्या मस्त मॉके एनिमेशन कर रहा है ये विंदास वृंदास्क एनिमेशन है यदि बॉक नंबर टू दे दे या बॉक नंबर थ्री दे दे फिर भी सेम एनिमेशन करेगा मेरे भाई गजब के एनिमेशन यहाँ पर होने वाली है तो आप सभी इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि एनिमेशन बहुत ही जानदार और शानदार बनी है यहाँ पर इस एनिमेशन में इस एनिमेशन में अंतर देखिए मेरे भाई इस एनिमेशन और इस एनिमेशन में अंतर देखिए क्या ही गजब का एनिमेशन में अंतर है अब मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी बैकग्राउंड को चूज कर लीजिए कोई भी हो अदर कोई भी हो आप उस पर भी देख लीजिए अब मैं इसे काल मास्टर में ले जाकर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ बढ़िया से फ्रेंड हम आ चुके हैं क्रोमा सॉरी फ्रेंड्स सो हम आ चुके हैं पावरटे एप्लीकेशन के अंदर चाहे आप कोई भी एडिटर के अंदर जा सकते हैं बैकग्राउंड इम्पोर्ट किया एंड जो मीडिया है हमारी जो उसकी रिकॉर्डिंग करी थी क्रोमा टू उनसे वो इम्पोर्ट करी करेक्ट देख लीजिए क्रोपिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना छोटे छोटे पॉइंट इसलिए मैं मिस कर ही दे रहा हूँ जो आ, कि आपको टाइम बचे मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बे मतलब से बर्बाद हो तो यहाँ पर क्रोमा की करेंगे एंड इनेबल करेंगे इस तरीके से यहाँ से बैक करेंगे अपने करेक्टर को एक जगह स्टेबल करेंगे वीडियो प्ले करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा मेरे भाई यहाँ से थोड़े से पार्ट को कट कर देंगे क्योंकि जो हमने ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर ली है यदि आपने भी ऐसा किया है तो आप भी डिलीट कर दीजिए एंड डिलीट करने के बाद हम ओनली दस सेकेंड का यहाँ पर क्लिप करना तैयार करना चाहेंगे तो इस तरीके से इस पार्ट को बढ़ा देंगे बाकी पार्ट को इस तरीके से ट्रिम कर देंगे लेकिन ध्यान है कि थोड़ी थोड़ी मैंने तीन एनिमेशन इसके अंदर डाली है तो मैं चाहूँगा कि भैया तीनों एनिमेशन मेरे अंदर आ जाए मीडियो को प्ले करूँगा एंड देखूँगा कि यहाँ पर एक एनिमेशन मेरी कम्प्लीटली हो चुकी है इतनी बड़ी मैं एनिमेशन को रखूँगा इसको यहाँ से कट कर दूँगा जैसे मेरी दूसरी एनिमेशन यहाँ पर चलेगी मैं वहाँ पर रख लूँगा इसे मैं देखता हूँ कौन सी एनिमेशन मेरी यहाँ से चल रही है भाई एनिमेशन है अभी तक मेरी यहाँ पर मैं इस पार्ट को यहाँ पर लेकर आऊँगा एंड इस वीडियो को प्ले करके देखूंगा कि क्या रिजल्ट मेरे सामने आता है चलिए तो वही यहाँ पर भी मेरी सेम एनिमेशन यहाँ से मेरी दूसरी एनिमेशन चेंज हुई है कुछ इस तरीके से मैं इस पार्ट को ट्रिम करके निकाल दूंगा मैंने यहाँ पर इस स्टेबल इस इसे भी कर दूंगा तो मेरी तीनों एनिमेशन यहाँ पर मैंने बनाकर कंप्लीटली कर ली मैंने इस पार्ट को ट्रिम कर दूंगा तो आप देखेंगे मेरी यहाँ पर एनिमेशन कुछ इस तरीके की कि आपके सामने बढ़कर तैयार हुई है ध्यान रहे कि आपको अलग अलग राउंड में अलग अलग तीनों एनिमेशन को डालना तो कैसे डालेंगे इसको यहाँ पर लेकर कर आना है सबसे पहले और यहाँ पर कीप रैम ऊपर ही दिया गया होता है इसके यहाँ पर देखिए कीप रैम और लास्ट पोजिशन में जा रहा है और इस करेक्टर को इस तरीके से खींच करके लास्ट में लेके चले जा रहा है आप इस वीडियो को प्ले करके देखो तो रिजल्ट आपके सामने होगा चलिए तो आप यहाँ पर सेकेंड एनिमेशन को भी सेम इसी तरीके से डाल सकते हैं तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है ले आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जो मिलते हैं बेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राम